हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्यूटर रवि। सो गाइस, आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। एंड गाइस, हमने जो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक सीरीज स्टार्ट किया था, सो उसी का आज ये नाइन्थ वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो आज का हमारा टॉपिक क्या है, रैम किसे बोलते हैं और रैम होता क्या है। सो गाइस, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जाकर एक बार उन वीडियोस को भी देख लें जो कि ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। उन वीडियोस को जो प्लेलिस्ट का लिंक है आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के नेम से वो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ, या फिर आप जाकर उन वीडियोस को प्लेलिस्ट सेक्शन में भी देख सकते हैं। ये उन वीडियोस के स्लाइड्स हैं जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये सभी टॉपिक्स को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। सो गाइज, आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि रैम होता क्या है, उसके बारे में एडवांटेज डिसएडवांटेज सभी चीजों को डिस्कस करेंगे। नो गाइज, अब रैम क्या है? रैम एक बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम में रैम एक मेमोरी होता है। सो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम में जो मेमोरी होते हैं वो कई सारे टाइप्स के होते हैं, क्योंकि पता चले कि एक तो आपको दिख रहा है कि रैम होता है, बट इसके अलावा और कितने टाइप्स होते हैं, रैम के भी कितने टाइप्स होते हैं। तो एक बार मैं आपको एक हायरार्की दिखा देता हूँ क्रिएट करके, सो दैट कि आपको पता चल पाए कि जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसमें टोटल कितने मेमोरी होते हैं। सो कंप्यूटर में बेसिकली टू टाइप्स ऑफ होते हैं, एक होता है हमारे पास रैम और एक हो गया हमारे पास रोम। क्लियर है गाइस? अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, रैम डिस्कस कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, रोम डिस्कस करेंगे। सो रैम के भी बेसिकली टू टाइप्स हैं, एक होता है हमारे पास एस रैम जिसको हम स्टैटिक रैम बोलते हैं, एक होता है हमारे पास डी रैम जिसको हम बोलते हैं डायनेमिक रैम। क्लियर गाइस? और रोम के यहाँ पे बेसिकली थ्री टाइप्स होते हैं, एक होता है हमारे पास पी रोम, फिर एक हो गया हमारे पास ई पी रोम और एक हो गया हमारे पास ईईपी रोम। क्लियर गाइस? सो ये बेसिकली एक मेमोरी का आपको हायरार्की दिख रहा हो कि मेमोरी टू टाइप्स के हुए, रैम रोम, फिर उसके फर्दर टाइप्स हैं। तो ये होता है हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम में जो कितने टाइप्स ऑफ मेमोरी हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमारा क्या जो टॉपिक है वो है रैम के बारे में। तो सबसे पहले तो रैम का फुल फॉर्म हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रैम क्या है? रैम एक कंप्यूटर मेमोरी है। मैं ऊपर साथ साथ लिख भी रहा हूँ इसके बारे में। तो क्या है? रैम एक कंप्यूटर मेमोरी है और ये क्या करता है, डेटा को टेम्पररली स्टोर करता है। तो क्या करता है? टी ई एम पी ओ आर ए आर आई एल वाई, टेम्पररली स्टोर डेटा। मैं इसको पॉइंट्स के फॉर्म में लिख रहा हूँ सो देट कि अगर आप यहाँ से नोट्स भी बनाएंगे तो आपको थोड़ा ईजी हो जाएगा इसको लर्न करना। तो रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ये एक कंप्यूटर मेमोरी है जो कि यूज किस लिए होता है, टेम्पररली डेटा को स्टोर करने के लिए। और कौन से डेटा को? जिसको कंप्यूटर अभी करंटली प्रोसेस कर रहा है। बट इसमें क्या होता है कि पावर ऑफ होने पे जो ये डेटा पे जिस पे काम कर रहा है वो डेटा लॉस्ट हो जाता है। तो ये भी एक आप इसको एक तरह से इसका एक डिसएडवांटेज समझ सकते हैं। बट अगर आपको रैम के बारे में लिखने के लिए आए तो आप ये लिख सकते हैं कि टेम्पररली डेटा को स्टोर करता है। कौन से डेटा को? जिसको कंप्यूटर जिसपे अभी प्रोसेसिंग कर रहा है। और अगर पावर ऑफ होता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पावर ऑफ होने पे क्या होता है, जो डेटा होता है वो लॉस्ट हो जाता है। डेटा लॉस्ट, यहाँ पे क्या, जो डेटा स्टोर होता है वो लॉस्ट हो जाता है। अब सपोज जैसे कि अभी के तो सिस्टम में क्या है कि ऑटो सेविंग का ऑप्शन आ गया है। जैसे कि आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर पे कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं या फिर अगर आप पीपीटी बना रहे हैं तो पीपीटी में क्या है, ऑटो सेव का ऑप्शन आ गया है अब के सिस्टम्स में। बट पहले के सिस्टम में ऐसा नहीं था। जैसे कि सपोज आप टेक्स्ट एडिटर पे कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, जैसे कि आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, लैपटॉप में तो फिर भी बैटरी आ गया है, तो अगर लाइट नहीं भी है तो बैटरी पर लैपटॉप चलता है। बट पहले क्या था, सपोज आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं और सपोज आप किसी टेक्स्ट एडिटर पे कोई टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, टेक्स्ट एडिटर में आपने उस फाइल को सेव नहीं किया है, तो सपोज लाइट चली गई, तो जब वापस से लाइट आएगी आप सिस्टम को ऑन करेंगे तो वो टेक्स्ट एडिटर आपने जितना लिखा होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो ऑलरेडी हट चुका होगा वहां से। तो क्या हो गया, डेटा आपका एक तरह से लॉस्ट हो गया। सो यही एक इसका एक डिसएडवांटेज भी समझ सकते हैं, बट आप इसके बारे में लिख भी सकते हैं जब आपको लिखने के लिए आएगा। जब इसके हम डिसएडवांटेज को डिस्कस करेंगे तो वहां पे इस पॉइंट्स को हम फिर डिस्कस करेंगे। तो रैम हो गया, और रैम बेसिकली इसको हम रैम जो मेमोरी स्पेस होता है इसमें हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को भी स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, कुछ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को भी, स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं रैम। क्योंकि रैम क्या होता है, एक फास्टेस्ट मेमोरी होता है, तो इसीलिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में स्टोर करते हैं। सो दैट कि जब सिस्टम ऑन होता है सबसे पहले रैम लोड होता है तो उसमें क्या हो, उसका एग्जीक्यूशन बहुत फास्टली, उसमें टाइम ना लगे। क्लियर गाइस? तो ये हो गया गाइस रैम के कुछ ऐसे टाइप्स। और रैम को हम रीड राइट मेमोरी भी बोलते हैं, रीड राइट मेमोरी
या फिर इसको हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं, मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। क्लियर है गाइस? तो आप जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो जो कि जहां पे मेमोरी का यूज, मेमोरी वर्ड आ रहा हो, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डीबीएमएस हो गया, आपके पास कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो मेमोरी कहीं भी आपको मेमोरी होगा ना, तो वो रैम ही होता है, या तो मेन मेमोरी हो या फिर प्राइमरी मेमोरी, या फिर अगर सिर्फ आपको कहीं पे मेमोरी भी दिख रहा हो ना, तो आप उससे पहले क्या रैम ही समझे, क्योंकि अगर रोम होगा तो वहां पे प्रॉपर मेंशन होगा, बट अगर सिर्फ मेमोरी है इसका मतलब कि वो वहां पे किस चीज की बात कर रहा है, रैम की ही बात कर रहा है। क्लियर गाइस? तो इसको हम ये बोल सकते हैं अब, और एक पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया कि कोई भी जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, आप इस पॉइंट को भी लिख लें यहाँ पे कि कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो क्या होता है कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन के लिए रैम में स्पेस ही होता है। कोई प्रोग्राम ऐसा हो, सपोज प्रोग्राम हार्ड डिस्क में स्टोर है, तो उसको अगर एग्जीक्यूट होना है तो उसको सीपीयू चाहिए होता है। ये चीज ऑलरेडी हम डिस्कस करते आ रहे हैं प्रीवियस वीडियोस में। तो सीपीयू चाहिए होता है, तो पहले प्रोग्राम को क्या होता है, पहले प्रोग्राम रैम में लोड होता है, फिर उसे सीपीयू एलोकेटेड होता है। क्लियर गाइस? तो इसका एक सिंपल सा पॉइंट है कि द प्रोग्राम एंड डेटा जो कि सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है, तो वो सभी कहाँ स्टोर होता है, मेमोरी, मेमोरी स्टोर होता है, और मेमोरी मींस क्या हुआ, रैम हुआ, और ये वोलाटाइल इन नेचर होता है। अभी हमने डिस्कस किया कि पावर ऑफ होने में डेटा लॉस हो जाता है, इसका मतलब क्या होता है कि जो रैम होता है वो क्या होता है, वोलाटाइल इन नेचर। अब यहाँ पे वोलाटाइल मतलब क्या हो गया कि जो डेटा है वो लॉस्ट हो जाता है इन केस ऑफ डेटा लॉस्ट इन केस ऑफ पावर ऑफ, पावर ऑफ। क्लियर है गाइस? तो ये चीज यहाँ पे वोलाटाइल का मीनिंग हुआ। अब रैम बेसिकली टू टाइप्स हो गया, अभी मैंने बताया था कि रैम कौन कौन से टाइप का है, यहाँ पे रैम हो गया एस रैम एंड डी रैम। एस मतलब क्या हो गया, स्टैटिक, और डी मतलब हो गया डायनेमिक। क्लियर है गाइस? तो स्टैटिक यहाँ पे, अब इन दोनों का डिफरेंस वैसे तो आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बट फिर भी मैं बता दूं कि जो डायनेमिक होता है, डी रैम होता है, वो स्टैटिक से थोड़ा स्लो होता है, और स्टैटिक रैम जो होता है वो डायनेमिक से फास्टर होता है। और यहाँ पे जो डायनेमिक रैम होता है वो मेन मेमोरी को यूज करता है, और जो स्टैटिक रैम होता है वो कैशे मेमोरी को यूज करता है, और जो एस रैम होता है वो मोर पावर यूज करता है। यहाँ पे जो एस रैम है ये क्या करता है, मोर पावर कंजप्शन इसका ज्यादा है, और डायनेमिक रैम का क्या है, लेस पावर कंजप्शन है। ये था कुछ बेसिक डिफरेंस एस रैम एंड डी रैम का। ये जनरली आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, मेन आपसे आएगा रैम के बारे में, तो आप रैम के बारे में लिख सकते हैं, और उसके टाइप्स को आप टाइप्स के बारे में लिख सकते हैं, टाइप्स का फुल फॉर्म, और फिर इसका आ जाता है एडवांटेज और डिसएडवांटेज, तो उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो रैम का जो सबसे पहला एडवांटेज है, ये एडवांटेज ऑफ रैम है, सबसे पहला क्या है, स्पीड है। स्पीड मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज जब रैम में एग्जीक्यूट होता है तो उसका जो एग्जीक्यूशन का स्पीड होता है वो बहुत फास्ट होता है। तो रैम क्या हो गया, जितने भी और भी जो डेटा स्टोरेज है उनसे, उनके कंपेयर में जो मेमोरी है, जितने भी जिसमें डेटा स्टोरेज कैपेसिटी है जिनका, तो उन सब के कंपेयर में जो रैम है वो सबसे फास्ट है। बाकी जो और भी होगा, जैसे हार्ड ड्राइव हो जाता है हमारे पास, सॉलिड स्टेट ड्राइव हो जाता है, तो इन सब से क्या है कि अगर रैम में डेटा स्टोर है तो वहां पे जो एक्सेसिंग उसका पावर है वो क्या है, सबसे फास्ट है एज कम्पेयर टू अदर मेमोरी। फिर हमारे पास क्या जाता है, फ्लेक्सीबिलिटी। फ्लेक्सीबिलिटी में क्या होता है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि जो रैम है वो वोलाटाइल मेमोरी है, उसमें डेटा लॉस्ट हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि वोलाटाइल है तो रैम में क्या होता है कि डेटा को उसमें कुछ ऐड करना है, डेटा को मॉडिफाई करना है, डेटा को डिलीट करना है, तो वो सब क्या हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है। तो मैं फ्लेक्सिबिलिटी क्या के लिए कहता हूँ, डिलीट और मॉडिफाई। तो ये क्या है, हम रैम में बहुत ही इजीली कर पाते हैं। अब अगर हम कैपेसिटी का बात करें तो सिस्टम में जैसे रैम होता है तो रैम को इजीली क्या किया जा सकता है, अपग्रेड किया जा सकता है, और इससे ये फायदा होता है कि जो अपग्रेड करने पे जो सिस्टम का परफॉर्मेंस होता है वो इम्प्रूव होता है, क्योंकि जब रैम को अपडेट करेंगे आप तो हाइयर, जितना रैम होगा, जितना कैपेसिटी का हाइयर रैम होगा, जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो और फास्ट होगा, और उससे आप ही को आपका टाइम सेव होगा किसी भी प्रोग्राम्स को, किसी भी फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। क्लियर गाइस? और यहाँ पे आता है पावर मैनेजमेंट का, इट मीन्स कि यहाँ पे क्या है, लेस पावर यूजेज एज कम्पेयर टू अदर जो डेटा स्टोरेज, जो मेमोरी होते हैं, लाइक हार्ड ड्राइव्स एंड सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। तो गाइस ये हो गया इसके फोर एडवांटेजेस। अब इसके हम देखते हैं कि इसके जो डिसएडवांटेज क्या है। तो सबसे पहले तो अभी मैंने बताया था वोलेटाइल है, वोलेटाइल मीन्स की क्या हो सकता है, इसमें डेटा लॉस्ट व्हेन पावर ऑफ, व्हेन
पावर ऑफ। जैसे ही पावर ऑफ हुआ, अगर आपने डेटा को सेव नहीं किया है तो वो डेटा लॉस्ट हो जाएगा, और जब आप दोबारा सिस्टम ऑन करेंगे तो वो डाटा सेव हुआ ही नहीं होगा। वन सेव डाटा है तो आपको वो डाटा दोबारा से नहीं मिल पाएगा। क्लियर गाइज। अब क्या है, कैपेसिटी है। अब जैसे कि आप अगर हार्ड डिस्क का एग्जाम्पल लेंगे तो उसमें क्या होता है सिस्टम्स में कि आप एक्सटर्नल स्टोरेज कितना भी ऐड कर सकते हैं, बट क्या होता है सिस्टम में जो रैम का जो स्टोरेज होता है, स्टोरेज कैपेसिटी होता है, वो फिक्स होता है। ऐसा नहीं, आप उसको एक लिमिट से ज़्यादा अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। तो ये एक इशू होता है कैपेसिटी का। तो मिस ऐसा तो नहीं कि एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, बट फिर भी एक डिसएडवांटेज है कैपेसिटी का, और इसका कॉस्ट भी है कि रैम को अगर आप जैसे कि सपोज आपके सिस्टम में 4 GB का रैम है, अगर आप उसको 8 GB का, 16 GB का रैम करना चाहते हैं तो उसका जो कॉस्ट है वो बहुत ही हाई है एज कम्पेयर टू जो अदर जो मेमोरीज, जैसे सॉलिड स्टेट हो गया, हार्ड ड्राइव हो गया। क्लियर गाइज। जिसको अपग्रेड करना इतना कॉस्टली नहीं है एज कम्पेयर टू रैम। सो ये हो गया कुछ इसके एडवांटेज, कुछ इसके डिसएडवांटेज। सो गाइज, आई होप कि आपको आज की इस वीडियो से रैम के बारे में क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियोज में हम डिस्कस करेंगे रोम क्या होता है, फिर उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, रैम रोम के भी एडवांटेज डिसएडवांटेज को भी डिस्कस करेंगे। सो गाइज, आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सजेशन हो, कोई आपको मिस्टेक्स लगा हो, कोई इंप्रूवमेंट चाहते हो, तो आप इन सभी बातों को कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता सकते हैं, सो दैट कि और बच्चे भी जो वीडियोस देखेंगे तो उनको भी इस वीडियो के बारे में रिव्यू पता चल सके कि वीडियो में क्या कमी है, उनको पहले ही पता चल सके, सो दैट कि जब वो उस पार्ट को देखेंगे तो उनको वो पॉइंट्स पहले से क्लियर रहे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, सो दैट कि अभी और भी टॉपिक्स पे वीडियोस अपलोड होंगे तो सभी जो वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन होगा वो टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। एंड एक बार जाकर जरूर आप प्लेलिस्ट को चेक करें, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्लेलिस्ट है उसमें सभी वीडियोस सिक्वेंस वाइज एडेड हैं, तो आपको वहां से पढ़ने में बहुत ही हेल्प मिलेगा। एंड अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा हो तो आप इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सो दैट कि वो भी इन टॉपिक्स को पढ़ पाएं एंड एग्जाम से पहले पहले एग्जाम में बेटर मार्क्स स्कोर कर पाएं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।